रेलवे 12 मई यानी मंगलवार से मजदूरों के लिए चलाई जाने वाली ट्रेनों के अलावा 15 विशेष यात्री ट्रेन चलाएगा। ये सभी ट्रेन पूर्ण रूप से एसी कोच वाली होंगी। इसमें किराया भी ज्यादा लगेगा। इन सभी ट्रेनों का संचालन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से होगा, जो भारत के 15 शहरों तक यात्रियों को पहुंचाने में मदद करेगी। आइए जानते हैं कि कौन सी ट्रेन यूपी के किस शहर में कब और कहां रुकेगी। हावड़ा से नई दिल्ली और नई दिल्ली से हावड़ा, ये ट्रेन रोजाना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल से होकर जाएगी। राजेंद्र नगर से नई दिल्ली और नई दिल्ली से राजेंद्र नगर, ये ट्रेन रोजाना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल से होते हुए जाएगी। डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली और नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, रोजाना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल से होते हुए जाएगी। बेंगलुरु से नई दिल्ली और नई दिल्ली से बेंगलुरु, ये ट्रेन रोजाना झांसी से होते हुए जाएगी। चेन्नई सेंट्रल से नई दिल्ली, शुक्रवार और रविवार को ये ट्रेन झांसी और आगरा होते हुए जाएगी। वहीं नई दिल्ली से चेन्नई सेंट्रल, ये ट्रेन बुधवार और शुक्रवार को झांसी और आगरा से होते हुए जाएगी। बिलासपुर से नई दिल्ली, ये ट्रेन सोमवार और गुरुवार को झांसी से होते हुए गुजरेगी। वहीं नई दिल्ली से बिलासपुर, ये ट्रेन मंगलवार और शनिवार को झांसी से होते हुए गुजरेगी। रांची से नई दिल्ली, ये ट्रेन गुरुवार और रविवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और कानपुर सेंट्रल से होते हुए गुजरेगी। नई दिल्ली से रांची, ये ट्रेन बुधवार और शनिवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और कानपुर सेंट्रल से होते हुए गुजरेगी। अगरतला से नई दिल्ली, ये ट्रेन सोमवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और कानपुर सेंट्रल से होते हुए गुजरेगी। नई दिल्ली से अगरतला, ये ट्रेन बुधवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से और कानपुर सेंट्रल से होते हुए गुजरेगी। भुवनेश्वर से नई दिल्ली और नई दिल्ली से भुवनेश्वर, ये ट्रेन रोजाना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और कानपुर सेंट्रल होते हुए गुजरेगी। सिकंदराबाद से नई दिल्ली, ये ट्रेन बुधवार को झांसी से होते हुए निकलेगी। वहीं नई दिल्ली से सिकंदराबाद, ये ट्रेन रविवार को झांसी से होते हुए गुजरेगी।